फ्रेंड, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, हैरियत से हैं। लेसन नंबर 20 15 क्वेश्चन के साथ हाज़िर हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हीकल कैरी मोर लोड देन द मैक्सिमम अथराइज मास, इज़ इट अलाउड टू ड्राइव लाइक दिस? वो कह रहा है कि एक गाड़ी है, उसने लोड अपने से ज़्यादा कर लिया, जिसने कि उसको इजाज़त है, क्या वो ड्राइव कर सकती है? नहीं जी, वो नहीं कर सकती, बिकॉज इट इज़ डेंजरस। ऑप्शन है, येस बट ओनली वैन ट्रांसपोर्टिंग लगेज एंड पीपल इन विद इन द टाउन, येस वैन इट इज़ ए फ्राइट व्हीकल, नो बिकॉज इट इज़ डेंजरस। ये डेंजरस है, इसका आंसर होगा नो बिकॉज इट इज़ डेंजरस, कि आप नहीं कर सकते, जितनी इजाज़त है वज़न की उतनी आप लोड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेसरीज इज़ रिक्वायर्ड बाय द ड्राइवर ऑफ ए कार, कि कौन सी एक्सेसरी रिक्वायर्ड है कि जो ड्राइवर ने अपनी गाड़ी में रखनी है। ऑप्शन नंबर 1, टू डेंजर प्री सिग्नलिंग डिवाइसेस, ऑप्शन बी ए फायर एक्सटिंग्विशर, सी ए कैन ऑफ ऑयल। सबसे जो ज़रूरी है वो है टू, जो ट्रिंगल्स होती हैं डेंजर वाली, जो गाड़ी ख़राब हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, एक आगे पीछे रखनी होती है। इसका आंसर होगा ए, टू डेंजर प्री सिग्नलिंग डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट डॉक्यूमेंट सर्टिफाइज डैट व्हीकल मीट द टेक्निकल कंडीशन नेसेसरी टू सर्कुलेट, द इंश्योरेंस सर्टिफिकेट एंड लास्ट रिसिप्ट ऑफ द प्रीमियम पेमेंट, ऑप्शन बी द रिसिप्ट ऑफ द मैकेनिकल ट्रांजेक्शन व्हीकल टैक्स, ऑप्शन नंबर सी द आई टी वी कार्ड। इसका आंसर होगा द सी आई टी वी कार्ड, या वो मोड कार्ड भी कह सकते हैं, तहत में ये भी ऑप्शन आ सकते हैं। इसका आंसर होगा सी द आई टी वी कार्ड। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ फतियाहे, कि फतियाहे जो आपको एक नींद गुनूदगी वगैरह वो क्या आपको करती है? इसका कि इट इज़ ऑप्शन वो दे रहा है, ए इट इज़ अ टू स्टे फोकस, ऑप्शन बी हेयरिंग सेंसिटिविटी में डिक्रीज, ऑप्शन सी इंक्रीज द विजुअल फील्ड। इंक्रीज विजुअल फील्ड भी नहीं हो सकता भाई, इजी स्टे फोकस भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा बी हेयरिंग सेंसिटिविटी में डिक्रीज, क्या आपके जो सुनने की जो है वो मे भी कम हो सकती है, सेंसिटिव। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 है, दिस साइन इंडिकेट द सिचुएशन ऑफ, कि ये फायर एक्सटिंग्विशर बना हुआ है और एक एमरजेंसी फोन का वो निशान बना हुआ है। इसका ऑप्शन देखते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है कि फायर एक्सटिंग्विशर एंड एमरजेंसी टेलीफोन इन ए साइडिंग, के साइड एमरजेंसी टेलीफोन एंड एमरजेंसी एग्जिट एंड एट स्टेशन, नो। इसका आंसर होगा ए, ए फायर एक्सटिंग्विशर एंड एमरजेंसी टेलीफोन इन ए साइडिंग। क्वेश्चन नंबर 21, इज इट अलाउड टू ड्राइव विद एडहेसिव शीट और सन ब्लाइंड्स, क्या कह रहा है कि वो आपने पर्दे वगैरह लगाए हुए हैं या आपने साइड वाले शीशे या ब्लैक किए हुए हैं पीछे वाले, क्या आप सफ़र कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं, जगह आप के दोनों जो बाहर वाले शीशे हैं लेफ्ट और राइट वो मौजूद हैं तो आप कर सकते हैं। इसका आंसर होगा सी, यस इन द रियर विंडो वेयर द व्हीकल हैज़ टू एक्सटीरियर रियर व्यू मिरर्स, अगर दोनों साइडों पे कार वाले शीशे लगे हों। क्वेश्चन नंबर 22 है, विद दिस सिग्नल डू यू हैव राइट ऑफ वे इन द नॉर्विंग, क्या कह रहे हैं कि नारो रोड है, तंग रोड है, क्या अगर वहाँ पर यह निशान लगा हुआ है, क्या आपको पहले प्रायोरिटी हासिल है कि आप पहले जाएंगे? हाँ जी, ये वाइट लाइन हमारी है, हम इस वजह से जा रहे हैं तो हमें प्रायोरिटी हासिल है, वो रेड वाला जो थी उस साइड से जो आ रहा होगा वो हमें रास्ता देगा, यस। क्वेश्चन नंबर 23, ऑन द स्ट्रेच ऑफ हाईवे कैन यू ड्राइव फास्टर देन 100 किलोमीटर पर आवर टू ओवरटेक, कि इस रोड पे 100 की स्पीड से क्या ज़्यादा हम जा सकते हैं? जी नहीं, हम नहीं जा सकते। साइड पे ये पिक्चर पे उसने वो 100 स्पीड दी हुई है कि इससे आप नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन होगा ए, नो हम नहीं कर सकते। वेन डू यू ड्राइव एट ए अब नॉर्मली स्लो स्पीड, कि वो कह रहे हैं आप किस कब आपकी नॉर्मली स्लो स्पीड, स्लो स्पीड तब होती है जब उन्होंने एक मिनिमम स्पीड दी हुई है, जैसे ऑटो पिस्ता मोटरवे की स्पीड है 120, उसका हाफ 60, जब 60 से हम नीचे गाड़ी चलाएंगे तो वो होगा आप नॉर्मली स्लो स्पीड। अब हम ऑप्शन बोल रहे हैं कि क्या उसने दिया हुआ है, वैन ड्राइविंग एट स्पीड लोअर दैन द मिनिमम अलाउड, वैन ड्राइविंग एट स्पीड लोअर दैन द मैक्सिमम अलाउड, वैन ड्राइविंग एट स्पीड हायर देन द मिनिमम अलाउड।
इसका ये है कि ऑप्शन होगा ए व्हेन ड्राइविंग एट स्पीड लोअर देन मिनिमम, कि जब आप मिनिमम स्पीड से भी कम चला रहे हैं तो वो आप नॉर्मली स्लो स्पीड होगी। ऑप्शन नंबर 25 है, इट इज़ एडवाइजेबल टू गिव समवन हु इज़ इंजूरीड इन एन एक्सीडेंट सम फूड और ड्रिंक, क्या जो एक्सीडेंट में इंजरी पर्पल, क्या आप उसको फूड या ड्रिंक दे सकते हैं? नहीं जी, आगे भी हमने पढ़ा है, नहीं हम नहीं दे सकते। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 26 है, इन ए कार विथ 5 ऑथराइज्ड सीट्स कैन यू ट्रांसपोर्ट 6 पीपल, एक गाड़ी है उसमें सिर्फ 5 बंदे बैठ सकते हैं, क्या आप 6 बंदों के साथ सफ़र कर सकते हैं? जी नहीं, हम नहीं कर सकते, इसका तो नॉट इट्स नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हेन कॉर्नरिंग द व्हीकल टेंट रोल ऑफ द रोड ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हो कैन इट बी अवॉइडेड। वो कह रहा है कि हम एक जब हम मोड़ ले रहे होते हैं तो वहाँ पे एक एनर्जी पैदा होती है, अगर आप ब्रेक लगाएंगे या कुछ करेंगे तो आप दूसरी साइड पे जाने का खतरा होता है। इसलिए ये है कि जब भी आपने, इसका आंसर ये होगा कि जब भी आपने मोड़ पे जाना है तो उससे पहले आपने स्लो डाउन हो जाना है, स्लो डाउन, और जब आपने एंड पे जाना है मोड़ के तो वहाँ से आपने थोड़ी सी रेस दे के एग्जिट कर लेना। इसका आंसर होगा, पढ़ेंगे क्या ऑप्शन उसने दिए हैं, बाय स्लोमिंग डाउन बिफोर द कर्व एंड एक्सीलेटिंग स्मूथली व्हेन एग्जिट, ब्रेकिंग ऑन द कर्व एक्सीलेटिंग बिफोर एंटरिंग द कर्व। यह है कि हम उसका कह रहे हैं कि आपने मोड़ पे दाखिल होने से पहले स्लो डाउन हो जाना है और एक्सीलेशन स्मूथली, और आपने थोड़ी सी रेस देनी है जब हम एंड पे उसके एग्जिट करेंगे। इसका आंसर होगा ए। हाउ मैनी पॉइंट कैन बी लूस्ड इन वन डे, कितने पॉइंट जो हैं वो आप एक दिन में आप साया कर सकते हैं? जी ये हम 8 पॉइंट जो हैं वो हम कम से कम कम कर सकते हैं, अगर मे बी, ये भी है कि अगर आपका कोई बहुत ही बड़ा आपने एक्सीडेंट या आपने बहुत ही बड़ा कोई जुर्म कर लिया तो फिर वो पुलिस वालों पे डिपेंड करता है, तो आप नॉर्मली हम 8 पॉइंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, इन केस ऑफ रेन यू शुड ड्राइव विद कॉशन बिकॉज, वो कह रहा है कि बारिश हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए? तो ये है कि जब बारिश होती है तो इसमें आप ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या इसमें दिया, इंक्रीज द ग्रिप, टायर ग्रिप, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड, विजिबिलिटी इज रिड्यूस्ड। इसका आंसर होगा सी, विजिबिलिटी इज रिड्यूस्ड, तो जब बारिश होती है जैसे स्क्रीन या आगे आपको एक किस्म का कम नज़र आता है, विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, ऑन द शोल्डर ऑफ दिस हाईवे, इस जो रोड का मोटरवे का जो शोल्डर है, व्हाट इज़ अलाउड, यहाँ पे क्या अलाउड है? ये क्या कि हम अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं या जहाँ तो आपकी ब्रेक खराब होगी हो या आपको एमरजेंसी हो, कोई एक्सीडेंट या गाड़ी में कोई मसला बन गया हो, तो उस टाइम आप यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, इनमोबिलाइज द व्हीकल फॉर एमरजेंसी और ब्रेक डाउन, मेक स्टॉप और पार्क। इसका आंसर होगा ए, इनमोबिलाइज द व्हीकल फॉर एमरजेंसी और ब्रेक डाउन। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग, अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेसन के साथ जल्द हाजिर होंगे, अल्लाह हाफिज़।